भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की डेट में सिटिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, ईटिंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, लिसनिंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो चुकी है, मोबाइल वॉचिंग की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। मैं समझ रहा हूं क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, खासतौर पे हमारे ये ऊपर वाले बैठे बच्चे ज्यादा बोर हमको दिखाई दे रहे हैं। बोर हो गए क्या? वैसे बोर हो भी गए हम कैसे बताएंगे बोर हो गए। सबसे पहले एकल परिवार को धन्यवाद देता हूं, गोयल साहब, मित्तल साहब, अग्रवाल साहब। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि सामान्यतया एकल परिवार में गोयल मित्तल अग्रवाल ही ज्यादा है, एक एक नाम लेने से अच्छा है उसमें सब कंक्लूड हो गए। आजकल एक युवाओं को सुनाई पड़ता होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, डेमोक्रेसी इन डेंजर। सुनते हैं भाई, जरा पीछे वाले बताएं, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा सुनते हैं क्या? सुनाई पड़ता हो इसमें कितने बच्चे लाके हैं? जरा हाथ उठाइए, लाके स्टूडेंट्स हाथ उठाएं सब लोग लाके। तो प्रियम्बल तो सबने पढ़ा होगा, प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सोवरेनिटी। ये क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए संविधान सभा में यह कहा गया था, हम ये जो प्रियम्बल बना रहे हैं ये अब ये बदला नहीं जाएगा, संविधान में बदलाव होता रहेगा, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होगा। और मूल ढांचा क्या है? प्रियम्बल। क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। दुर्भाग्यवश आज की डेट में जो लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा सकता है, उन लोगों ने 1976 में केवल संविधान नहीं बदला बल्कि संविधान का मूल ढांचा बदल दिया और उन 2 शब्दों को जोड़ा जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था। संविधान सभा में केटी साहब साहब तीन बार प्रस्ताव लाए कि हमारा देश, हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द आना चाहिए और 3 के 3 बार रिजेक्ट हो गया। याद रखिए, प्रियम्बल संविधान का मूल ढांचा है, प्रियम्बल को संविधान सभा कह चुकी है इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी। जो 2 शब्द डाले गए उसको 3 बार रिजेक्ट किया जा चुका था क्योंकि संविधान सभाओं ने कहा कि एक बार अगर प्रियम्बल में छेड़छाड़ शुरू हो गई तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अगर जोड़ने का अधिकार दे दिया पार्लियामेंट को सरकार को तो घटाने का भी अधिकार मिल जाएगा। संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ने का हमने राइट दिया तो यह भी हो सकता है किसी को 450 सीट आ जाए तो वो प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाल दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रियम्बल में कोई ढांचा नहीं बदलना। और एक बात और, 1950 में संविधान सभा खत्म हो गई, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई, संविधान सभा के सदस्यों ने साइन किया और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म, लोकसभा 5 साल की होती है, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, लोकसभा को लोगों का प्रतिनिधित्व माना गया है, राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते,
लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि लोकसभा वाले सीधे जनता से चुन के आते। 1950 में संविधान सभा खत्म, मार्च 76 में लोकसभा खत्म, और दिसंबर 76 में संविधान का मूल ढांचा बदल दिया गया, और वो दो शब्द डाले गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया था। दिसंबर 76 में न लोकसभा है न संविधान सभा है, कोई सभा नहीं है, और फिर भी संविधान का ढांचा बदल दिया गया। और आजकल लोग कह रहे हैं संविधान को बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। अरे लोकतंत्र को खतरा तो तुमने डेवलप कर दिया जब तुमने संविधान के मूल ढांचे को बदला, खतरा वहीं से शुरू हो गया। दूसरी बात, क्या वास्तव में भारत में सेकुलर शब्द की जरूरत है क्या? मामा और मौसा ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? जरा पीछे वाले बच्चे बताएं जोर से, ये मामा और मौसा अलग अलग दो लोग होते हैं या एक ही होते हैं? चाचा और फूफा ये दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? बुआ और मौसी और मामी ये तीन अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये फूफा, ये मामा, ये चाचा, ये मौसा, इसको क्या बोलते हैं? एक ही मानते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल। अब खुद ही तुम सोचते रहो, अंकल का मतलब मामा, अंकल का मतलब चाचा, अंकल का मतलब फूफा, अंकल का मतलब मौसा। बुआ, मामी, चाची, फुफेरी मामी, फुफेरी जो भी है, ये सब क्या है? आंटी। तो उन देशों में जिनके पास शब्द नहीं है, पर्याप्त शब्द नहीं है, उनको समझ में आता है ठीक है संविधान सभा में सेकुलर डाल दो। अरे जब हमारे पास सारे संबंधों के लिए अलग अलग शब्द हैं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 इक्वल नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 नो अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस बिजनेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंटीग्रिटी, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन। जब सारे अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग दे दिया, कहने का मतलब जब हमारे पास मामा चाचा फूफा के लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग व्यवस्था है, उनका अलग अलग सम्मान करने के लिए अलग अलग कुर्सी है, तो एक कुर्सी काहे लिए बना देना भाई सेकुलर की? इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला था इसकी जरूरत नहीं है, तीन के तीनों बार रिजेक्ट किया। दुर्भाग्यवश जो लोग कह रहे थे, जिन्होंने संविधान का ढांचा बदला, वही लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं संविधान खतरे में। आपका टॉपिक शुरू से यह आ रहा था कि वोटिंग जरूरी है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कोई भी व्यक्ति दो तरीके से काम करता है, ठीक। पहली बात, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ हो। आप लोग इंजीनियरिंग करने आ चुके हैं, ला करने आ चुके हैं, आज तक आप लोगों से कभी ऐसे लिखवाया गया कि वोटिंग क्यों जरूरी है? ईमानदारी से बताना जरा, वोटिंग हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वोटिंग क्यों करना चाहिए, वोटिंग के क्या लाभ है, ये कभी प्राइमरी में लिखाया गया? नहीं। इसका मतलब शिक्षा में डाला नहीं। दूसरा, कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि वोटिंग नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वोटिंग कम होने का दो ही कारण है, ना हमने वोटिंग को संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी बनाया, ना हमने वोटिंग को प्राइमरी के सिलेबस में डाल डाल के उस पर डिबेट कराई, ऐसे कंपटीशन करवाया, बार बार उसको रिपीट कराया, और दूसरा ना हमने वोटिंग के लिए कोई कानून बनाया। मैंने पीएल फाइल किया था कि वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए और ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कोर्ट का यह कहना था यह हमारा काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैंने कहा यह मुझे भी पता था पार्लियामेंट का काम है, लेकिन आपने कम से कम नोटिस दे दिया तो कल को सरकार अगर वोटिंग कंपलसरी करेगी, कल को सरकार ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी लाएगी, तो कोई और पीआईएल आएगी तो एडमिट नहीं होगा, इसलिए हमने पहले एनओसी ले लिया है। आने वाली सरकार इसको बनाए तो बहुत अच्छी बात है।